सो हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल एनालिस्ट व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने से जो लोग चैनल पर नए आए हैं, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन की अपडेट मिलती रहे आपको। बात करते हैं अभी यहाँ पे रियल सेशन के बारे में, ठीक है। मेरे अभी तक जो भी रियल सेशन रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, बहुत जेन्युइन और अच्छे पर्सन्स मिले हैं मुझे। आजकल क्या है, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोगों ने सेशंस बुक कर रखे हैं तो उनका टाइम से हो जाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के आजकल भी मैसेजेस आ रहे हैं कि ये उल्टे पुलटे टाइप के ओके वगैरह वगैरह। क्या आप लोगों को इतना नहीं दिखाई देता? ऊपर से एक ने क्या कहा कि ऐसा कुछ दोगे तो वीडियो में थोड़ी ना मेंशन करोगे। मैं तो ओपनली बोलती हूँ, मैं जो बोलती हूँ जैसा करती हूँ मैं ओपनली करती हूँ, ठीक है। मैसेज करने से पहले एटलीस्ट एक बार देख लो, एक बार समझ लो क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। और अगर इतनी ही अजीबोगरीब चीज़ों का शौक़ है, अजीबोगरीब आप समझ रहे होगे ना, मैं लिमिट्स की चीज़ें कहती हूँ हमेशा, लिमिट्स। और अगर वो आउट ऑफ लिमिट वाला जाता है तो फिर आउट ऑफ लिमिट वाला जाएगा तो मुझे भी तो गुस्सा आता है ना। फिर अगर वही चीज़ मैं आपकी फैमिली के लिए बोल दूँ तो आपको बहुत बुरी लग जाती है। क्यों लग जाती है? जब आप मेरे बारे में बोल सकते हो तो अपने बारे में सुनने की भी तो हिम्मत रखो। और मैं नहीं बोल रही ना आपसे आके कि आप सेशन लो 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 करके, तो आप मुझे तरह 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 की मतलब आउट ऑफ लिमिट वाली रिक्वायरमेंट्स आके रख देते हो। ये लिमिटेड है, जब मैं बोली हूँ कि मैं चीज़ें लिमिटेड देती हूँ तो क्या क्या मतलब है कि मैं आपको नहीं, मैं आपको इतने दे दूंगा, मैं आपको इतने ही दे दूंगा। अगर इतने ही एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास तो यार किसी की हेल्प कर दो जाके। जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है। मैंने एक पार्सल मंगा रखा था तो उसी का था वो कॉल। नहीं, आपके पास अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप एक काम करो, किसी की हेल्प कर दो जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या कहते हो, नहीं ये कर लो। और कुछ लोग कसम से इतने अच्छे होते हैं, इनके इतने जेन्युइन मैसेज आते हैं कि पढ़ के दिल खुश हो जाता है, मन करता है उनसे बात करने का, ठीक है। यार लिमिट की जब चीज़ें बताएंगे तो लिमिट में रहो ना। 10 चीज़ें आपके दिमाग में क्यों चलती है खुराब आती। मैंने भी बोला कि सेशन देना मेरा शौक़ है और आप फिर आप में से एक आध लोग कहते हैं कि अगर आपका शौक़ है तो आप पैसे क्यों लेते हो। मैं टाइम के पैसे लेती हूँ अपने, मैं आपको टाइम दे रही हूँ ना, टाइम दे रही हूँ। प्लस अजीबोगरीब तरीके के लोग मिलते हैं तो उनको झेलना इट्स नॉट ईजी। अगर आप कुछ लोगों को लगता है कि इंसान सेशन दे रहा है तो वाओ उसका तो कितना अच्छा होगा, कितना बढ़िया होगा ना। लोगों को कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं कि उनसे बात करने का मन करता है कि। और मेरे बहुत अच्छे लोग ऐसे रहे कि जिनसे अगर मेरा 30 मिनट का टाइमिंग फिक्स हुआ है तो मेरा 1 आवर का भी हो गया सेशन। क्यों? क्योंकि लोग अच्छे हैं, उनसे बात करना अच्छा लगता है। और कुछ लोग सच में वाकई में इतने इरिटेटिंग होते हैं कि आई मीन उनसे सिर्फ 30 मिनट्स भी ना काटना पड़ता है। तो यार प्लीज़ ऐसा तो कुछ मत करो, ठीक है। और रियल सेशन में थोड़े थोड़ा धीरे धीरे करके दे रही हूँ। और रही बात आपके ऑनलाइन सेशन की, मेरा अब तक का रिकॉर्ड, अगर मैंने किसी से भी पेमेंट लिया ना, भले मैंने उसे 1 महीने बाद सेशन दिया है पर मैंने दिया है। और कितनी बार आप लोग क्या करते हैं, चैट सेशन बोलते हैं। यार चैट सेशन आप लोग बीच में उस टाइम पर अधूरा छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बात बताओ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि फिर अलग अलग चीज़ों के लिए भी मैं आपका पुराना टाइम निकाल के बैठूं। आप अधूरा छोड़ के बीच में जा रहे हो, मैं अधूरा छोड़ूंगी, मैं पूरा करूंगी। आप अधूरा छोड़ के जाओगे तो फिर मैं क्या करूं यार। अभी आप 10 मिनट का करते हो, फिर आप कहते हो नेक्स्ट मैं 10 मिनट का लूँगा, फिर मैं नेक्स्ट 10 मिनट का लूँगा। क्या मैं यही ध्यान रखते रहूँगी यार? इतना आपको भी, क्योंकि कितने लोगों से ऐसा होता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं बोलती हूँ हाँ ओके ठीक है, नहीं होता तो मैं कहती हूँ नहीं। मेरे पास 3 लोग ऐसे हैं जिनका सेशन अभी पेंडिंग पड़ा है, नहीं हो पाया है, ठीक है। बट मैं लूँगी उनका सेशन, क्यों? क्योंकि मैंने पेमेंट लिया है, मैंने लिया है तो मैं उनका सेशन करूँगी, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी सेशन। क्योंकि मुझे भी पता है इंसान पैसे मेहनत से कमाता है, उसके पास फ्री के नहीं आते हैं कि पता चला पेड़ है कोई गए और तोड़ा और हो क्या काम। लिखने वाले आप लोग ख़राब भी लिखते हैं, लिखने वाले लोग मुझे अच्छा भी लिखते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन अगर आप ख़राब लिखते हैं तो आपकी इमेज पर फ़र्क पड़ता है। आपकी इमेज एक बार नज़रों में ख़राब हो गई, हो गई, मुझे कोई मतलब नहीं है फिर उससे। उसके बाद आप बात करो मत करो, नहीं करना है मत, आई डोंट केयर, सीरियसली आई डोंट केयर। एक जना जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, मैं अच्छा बिहेवियर रखती हूँ, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मुझे देन रिटर्न में भी आपसे वही रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो ही मैं आगे आपसे बात करूंगी या रियल सेशन रहेगा। लेकिन अगर मुझे रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सेशन लेके मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं, मैं पहले बता दूँ। उससे आपको भी खुशी मिलती है, लेने में, मुझे देने में खुशी होती है, तो एक अच्छा बॉन्डिंग रहेगा तो अच्छा लगता है। लेकिन आप सोचिए कि आप सेशन की मुझे चार्जेस पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट मैं आपकी हर बात सुनूंगी, तो ऐसा तो आप बिल्कुल भूल जाना। जिसकी मेंटेलिटी ऐसी है तो वो बिल्कुल मत आना। यहाँ पर हम हमेशा यही कहते हैं कि एक दूसरे को जानना समझना, सेशन में यही चीज़ होती है हमारी। सो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। मेरे वीडियो के ऑडियो के सेशन के सबके चार्जेस अलग अलग हैं, रियल के मेरे अलग हैं, ठीक है, मेरी सिटी में आने के अलग है, मैं आऊँगी तो उसके मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ट्रैवल चार्जेस लूँगी। बाकी रियल सेशन जो होता है हमारा लिमिट्स का रहता है यार, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। 10 बार मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो इरिटेट मत कीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाय।